हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, एसएम की सीरीज का यह है पार्ट 4 और अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 1 की डिस्कशन। ये थोड़ा सा ब्लर यहाँ पे हल्का सा आ गया है, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन पूरी जो डिस्कशन है वो आपको समझ में आएगी और सिर्फ ये इसी पेज पे हल्का सा है। दोस्तों, चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और अब आज हमें स्टार्टिंग करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट की। बिजनेस एनवायरमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है सर। आपने रसगुल्ला खाया कभी? रसगुल्ला, रसगुल्ला कैसा होता है सर? रेड कलर का होता है, हाँ, मतलब कि डार्क ब्राउनी कलर का, उसमें चाशनी होती है, वो मीठा होता है, हाँ, और कई बार चिप 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 भी करता है, लेकिन स्पंजी भी होता है। तो जैसे रसगुल्ले की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वैसे ही जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। ठीक है, सर, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये है सर, कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो बना होता है वो लॉट ऑफ फैक्टर से बना होता है। लॉट ऑफ फैक्टर, जैसे कस्टमर हो गया, आपका मार्केट हो गया, आपके इंटरमीडियरीज हो गए, ठीक है सर, आपके टेक्नोलॉजी हो गई, आपकी गवर्नमेंट हो गई, आपका जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट हो गया, आपका इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया, तो बहुत सारे फैक्टर के साथ होता है, विच आर इंटर रिलेटेड। कई बार तो वो आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं और कई बार इंटरडिपेंडेंट, हेंस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कई बार एक दूसरे पे निर्भर भी करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी होते हैं। क्या? एक दूसरे पे निर्भर भी करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े भी होते हैं। इट इज़ एडवाइज टू नॉट स्टडी एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंटायरली। वो एडवाइज़ आपको करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स के दौरान कि कभी भी आप एक साथ इन सभी फैक्टरों को उठा के पढ़ने मत लग जाना। कभी भी पढ़ना हो तो एक एक करके उठा के इनको पढ़ो। सर, ये हमें क्या सिखा रहे हैं? मैंने तो बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक बाप होता है, अपने बेटे से बोलता है कि बेटा एक लकड़ी का बंडल लाओ। तो बेटा क्या करता है, लकड़ी का एक बंडल ले आता है, दैट इज लकड़ी का बंडल। ठीक है, तो फिर वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम इसे तोड़ के दिखाओ। तो ये टूटता ही नहीं है। फिर बाप क्या बोलता है कि बेटा ऐसा करो, इस बंडल में से एक लकड़ी नहीं निकालो। निकाली इसने, फिर इसने कहा इसे तोड़ो, तो ये टूट जाती है। तो वहां पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि कभी भी किसी भी चीज को तोड़ना है तो उसको सिंगल में कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन एक इकट्ठा कोई भी नहीं तोड़ सकता। सर, इसी को हमने डिफरेंशिएशन मैथ में और इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि जब भी हमें सॉल्व करना होता था तो हम चीज़ों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करते थे और इंटीग्रेट करते थे। तो ये क्या हमें सिखा रहे हैं कॉम्प्लेक्स होने में? हाँ, ये तो मैं बचपन से बताया, नहीं याद आया आपको? तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि भैया बहुत ज़्यादा जटिल है, इन्हें कभी भी एक साथ मत पढ़ो, इन्हें जब भी करना है टोटली मत कर लेना, इन्हें हमेशा इंडिविजुअली बेसिस पे उठा के करना है, टोटली में ये आपको हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी नजर आएगी। ठीक है जी, फिर है सर, ये बड़ा डायनेमिक होता है। ठीक है, डायनेमिक क्यों होता है? डायनेमिक मतलब बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस क्यों सर? देखो, चेंजेस भी दो तरीके के होते हैं। एक चेंज जिसे मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, एक चेंज ऐसा जिसे मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्या ऐसा है, एक चेंजेस जिसमें हाई अनसर्टेनिटी होती है कि भैया मुझे पता ही नहीं कब क्या हो जाए, मोदी जी रात में आके क्या बोल दे, हाँ, और एक प्रेडिक्टेबल होता है कि अब ये चीज़ जो है मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ अपने अनुभव के हिसाब से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो कहा जाता है कि इन्वायरमेंट बड़ा डायनेमिक होता है। ठीक है, ये कहता है कि डायनेमिज्म क्रिएट्स अनसर्टेनिटी। ये इतना ज़्यादा चेंजेस टाइप का बंदा है, मतलब कब क्या बोल दे इसका कुछ पता ही नहीं इन्वायरमेंट का। ठीक है, इन्वायरमेंटल, तो ये कहता है कि डेवलपमेंट, इस इन्वायरमेंट में काफ़ी डेवलपमेंट होते रहते हैं, डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट भी आता है, डेवलपमेंट में चेंज भी आता है। इंप्रूवमेंट मतलब पहले से कुछ सुधार करना है तो डेवलपमेंट हो गया, चेंज मतलब समय में कुछ चीज़ ऑब्सोलेट हो गई उसको चेंज कर दिया। मे रिजल्ट इन टू क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, इससे होता क्या है, इससे अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है एज वेल एज थ्रेट भी क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे टीचर जो सोच रहे थे कि GST का वो पढ़ाएंगे, तो उन्होंने सोचा था कि इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था, उनकी प्रिडिक्शन क्या थी कि इस बार बच्चे ज़्यादा आएंगे और पुराने बच्चे भी दोबारा से GST पढ़ने आएंगे तो हम उनसे दोबारा से फीस चार्ज कर लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था मैं उनके लिए एक राइवल क्रिएट हो जाऊंगा, मैं उनका कंपटीटर्स आ जाऊंगा और मैं फ्री में GST क्लासेस देने लग जाऊंगा। तो एक के लिए तो अपॉर्चुनिटी थी और दूसरे के लिए थ्रेट था। थ्रेट उनके लिए था जिन्होंने GST पढ़ा नहीं था, लेकिन इस एग्जाम में भी अगर मैं बात करूं कि आप 50 आउट ऑफ 50 कर सकते हो स्कोर अगर आपने GST को अच्छे से पढ़ा है। अगर GST नया है तो इस बार क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी लेवल के आने वाले हैं। अगर इजी लेवल के क्वेश्चन की आपकी तैयारी है तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बार बहुत अच्छा 50 में से 40+ आसानी से कर सकते हो। और अब अनसर्टेनिटी किसके लिए, किसके लिए थ्रेट है, जिस बंदे ने आज तक स्टडी नहीं की। तो ये बड़ा डायनेमिक होता है कि इन्वायरमेंट में छोटे से चेंज की वजह से बहुत बड़े
बड़े जो 30 मार्क का होता है वो गिर जाते हैं। फिर है सर मल्टीफेसेटेड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक बंदे के लिए ये दुख का कारण हो सकता है, एक बंदे के लिए खुशी का कारण हो सकता है, ठीक है। दुख और खुशी का कारण कैसे हो सकता है, लेट सपोज मोदी जी ने कह दिया कि आज से यूट्यूब इंडिया में नहीं चलेगा, तो जितने भी वीडियोस, आई थिंक मेरे 500 प्लस वीडियो हैं, मेरे लिए दुख का कारण क्यों हो गया, क्योंकि यार मैं, मेरे तो सारा डाटा यहीं पे था और ये बंद हो गया। लेकिन खुशी का कारण उन लोगों के लिए है जो फेस टू फेस क्लासेस देते हैं, फेस टू फेस क्लासेस जो पेन ड्राइव और यूट्यूब पे अब तक आई नहीं थे। उसने कहा अच्छा हुआ ये विनीत मिश्रा भाग गया यहाँ से, हाँ यूट्यूब से चला गया, तो फाइनली हमारा क्या हो गया, फायदा हो गया, अब सारे बच्चे हमें फेस टू फेस में आके हमसे पढ़ेंगे और हमारी फीस क्या होगी, चार्जेबल हो जाएगी। तो एक बंदे के लिए दुख का कारण भी हो सकता है और एक बंदे का फायदे का कारण भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है मोदी जी आके ये बोल दे कि अब जो भी क्लासेस होंगी पेन ड्राइव के थ्रू होंगी या फिर यूट्यूब के थ्रू होंगी, अब फेस टू फेस बैच नहीं चलेगा। आईसीआई ने बोल दिया, क्या बोल दिया, आईसीआई ने कि अब कोई भी टीचर फेस टू फेस क्लास नहीं देगा। तो फिर ये मेरे लिए क्या हो गई, सुख का कारण, और सामने वाले के लिए हो गया दुख का कारण। तो मल्टीफेसेटेड मतलब एक ही सिचुएशन को एक इंसान अपॉर्चुनिटी की तरह देख के खुश हो जाता है और उसी सिचुएशन को दूसरा इंसान देख के दुखी हो जाता है। अ सिंगल इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट मे इन्फ्लुएंस डिफरेंट बिजनेसेस इन डिफरेंट मैनर, डिफरेंट मैनर मतलब एक बंदा सुख और एक बंदा दुखी। अ सिंगल इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट इज टेकन डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल बिजनेस, मतलब वो संदीप मेसी सर का आपने सेमिनार सुना होगा, उसमें एक बड़ा अच्छी लाइन थी, जिसकी आंखों पे जैसा सपना होता है उसे दुनिया वैसे ही दिखाई देती है, ठीक है। तो इसका भी यही लॉजिक है कि भैया जिसकी आंखों का जैसा चश्मा उसको चीजें वैसी दिखाई देती है। जीएसटी आ गया, आधे ज्यादा रो रहा है, अरे जीएसटी आ गया दोबारा पढ़ना पड़ेगा, आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि जिसका 50-60 साल का एक्सपीरियंस था वैट के अंदर, सर्विस टैक्स के अंदर, कस्टम के अंदर, एक्साइज के अंदर, वो एक्सपीरियंस खत्म हो गया, अब उसको पूरा जीएसटी नया पढ़ना पड़ेगा। आपकी जिंदगी भी जीरो से शुरू हो रही है, सामने वाले की जिंदगी भी जीरो से शुरू हो रही है, ये क्यों नहीं देख रहे कि आपको जीतने का एक अच्छा मौका मिल गया। देखने का तरीका बदलो, कहते हैं ना अपना नजरिया बदल लो दुनिया बदल जाती है। दैट इज अ सिंगल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट इज टेकन डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल एंड बिजनेस, ठीक है सर। उसके बाद है सर हमारे पास फार रीचिंग इम्पैक्ट, मतलब इसका असर जो होता है वो लंबे समय पे दूर तक जाता है। एनवायरमेंटल डेवलपमेंट शोज लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, ठीक है, कैसा होता है लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, मतलब इसका असर जो होता है वो दूर तक जाता है। इट मे इन्फ्लुएंस बिजनेस इन फ्यूचर एज वेल, और ये बिजनेस को भविष्य में भी प्रभावित करती है। कौन, इन्वायरमेंट। तो हमने इन्वायरमेंट के कितने फैक्टर देख लिए, चार। एक देख लिया भैया बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्यों, एक साथ इसको नहीं पढ़ा जा सकता, अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। बड़ा डायनेमिक है, क्यों, कब इसका मूड बदल जाए, कब क्या बदलाव आ जाए पता नहीं। मल्टीफेसेटेड है, यानी एक बंदे के लिए दुख और एक बंदे के लिए सुख का कारण है। उसके बाद फार रीचिंग इम्पैक्ट है, इन द सेंस कि भैया इसका असर दूर तक जाता है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। इन्वायरमेंटल एनालिसिस में क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा मजाक में ले रहा हूँ, गलत मत समझना, और हो सके तो ऑडियो लो कर देना, जिसने स्पीकर पे डाला है आसूस मम्मी पापा हो तो मत सुनना, हाँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर आप मजाक करते हो, घर में आसपास मम्मी पापा भी होते हैं। माफी चाहूंगा मम्मी पापा जी, बस पढ़ाने के लिए और मम्मी पापा जी के लिए एक बात, कि जब भी हम कोई भी फन क्रिएट करते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है डाटा लंबे समय तक, इसलिए ऐसा किया जाता है, तो आप किसी को गलत ना समझें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लेट सपोज किसी वाइफ को अपने हस्बैंड पे शक हो गया है कि ये उसके साथ कुछ चीट कर रहा है। ये मूवी थी लाइफ पार्टनर करके थी शायद, लाइफ पार्टनर करके, या फिर हाँ डू नॉट डिस्टर्ब करके थी गोविंदा की मूवी, डू नॉट डिस्टर्ब, हाँ डू नॉट डिस्टर्ब। इसमें क्या हुआ, तो बीवी ने क्या किया, अपना एक दोस्त से बात की जो क्या कहते हैं जासूस टाइप का बंदा था, वो इसकी फिर इंक्वायरी करने लगा। तो फाइनली इसने सबूत इकट्ठा किए कि हाँ ये बंदा सही है या गलत है, उसकी पिक्स क्लिक किए, उसके नोट्स, उसके वॉइस और उसकी अलग अलग जगह से सबूत इकट्ठा किए कि हाँ ये अपनी वाइफ को चीट करता है या नहीं करता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये ओवरऑल हो क्या रहा था, एनालाइज हो रहा था, तो वो अपने हस्बैंड का एनालाइज कर रही है, ठीक है वाइफ। और जो एक बिजनेसमैन है, जो एक बिजनेसमैन है वो भी अपनी गर्लफ्रेंड समझ के या वाइफ समझ के एनवायरमेंट को हमेशा एनालाइज करता रहेगा कि अब इस ये मुझे चीट तो नहीं करने वाला, अब इसमें कुछ चेंज तो नहीं आने वाला, अब ये मुझे छोड़ के धोखा तो नहीं देने वाला। तो एंड इन द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें भी इतनी पक्की नज़र रखनी पड़ेगी जितना हम अपने लवर्स पे नज़र रखते हैं, उससे ज़्यादा नज़र हमें इन्वायरमेंट पे रखनी पड़ेगी अगर हमें ट्रू बिजनेसमैन है, क्योंकि कब क्या आपको अपॉर्चुनिटी की तरह मिल जाए
और आप बूस्टअप करके सबसे ऊपर निकल जाओ, और कब क्या छोटी सी मिस्टेक हो जाए कि आप मार्केट से बाहर निकल जाओ। इसलिए आपको एनवायरनमेंट का एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो एनवायरनमेंटल एनालिसिस में होता क्या है? एनवायरनमेंटल एनालिसिस इन्वॉल्व्स गैदरिंग कलेक्शन फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब घर के लोगों से और बाहर के लोगों से हम क्या करते हैं, गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा करना, क्या जानकारी को इकट्ठा करते हैं कि सामने वाला सनम बेवफा तो नहीं होने वाला, यानी हमारा एनवायरनमेंट कुछ बदलने तो नहीं वाला, ठीक है। इससे फाइनली हमें क्या मिलता है, हमें पता चलता है कि हमारी शक्ति कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, हमारी वीकनेस कितनी है, हमारी अपॉर्चुनिटी कितनी है और हमारे थ्रेट कितने हैं, विच फर्दर बिकम द बेसिस ऑफ साउंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जिसकी वजह से हम एक अच्छी सी प्लानिंग ले पाते हैं कि भैया हम आगे जाके एक्ट कैसे करेंगे और इस एक्ट का रिएक्शन हमें क्या देना है, हम इस पे कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब बात आई कि क्या जरूरत है बिजनेस एनालिसिस को करने की, एनवायरमेंटल एनालिसिस को करने की क्या जरूरत है। तो भैया सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात जो आप एक वर्ड में समझ सकते हो कि भैया फैसिलिटेट स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग। अगर जब हमें जानकारी मिलती है, हमारे मस्तिष्क में जब इंफॉर्मेशन चलती है तो हमारा दिमाग काम करता है, और एक हम स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग की भैया लॉन्ग समय तक हम उसे अपना बनाए रखने के लिए क्या करेंगे। लेट सपोज अगर मान लो आप किसी से प्यार करते हो, लेट सपोज मैं विनीत मिश्रा किसी से प्यार करता हूँ, एक्स से, वाई कह लेते हैं, एक्स तो पास होता है नहीं अब मुझे पता चले कि ये 10 दिन बाद मुझे छोड़ के जाने वाली है, लेट सपोज इमेजिनेशन में। हाँ, अब विनीत मिश्रा क्या कभी इस पे गुस्सा करेगा? नहीं। क्या हमेशा इसको गिफ्ट देगा? हाँ। क्या इसे हमेशा हंसाएगा? हाँ। क्या जितना टाइम वो यूट्यूब पे दे रहा है क्या इसे पर्सनली जाके देगा? हाँ। तो ये क्या हो रहा है कि जब इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें तो हमारा दिमाग उस तरीके से काम कर रहा है। तो वैसे ही अगर मुझे पता चले कि भैया जीएसटी आने वाला है, जीएसटी आने वाला है, तो जितने भी जो टैक्स वाले बंदे हैं उनका बड़ा फायदा हुआ कि जो उनकी इंपोर्टेंस लोगों की नजरों में कम हो गई थी, अब वो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे अब उनकी इंपोर्टेंस बढ़ गई। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है कि भैया जीएसटी के लॉन्च होने से पहले, मोदी जी के अनाउंसमेंट करने से पहले आपको जीएसटी को लेकर रेडी रहना था कि आप जहां पे एक बंदे को ये नहीं पता जीएसटी होता क्या है वहां आप पूरी किताब के प्रोफेसर बन चुके हो, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कि आप कैसे लोगों को बीट करें। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, तो आपको जब थिंकिंग आएगी तो आप अच्छे अच्छे स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले पाओगे कि भैया अब मुझे अपनी जिंदगी में आगे इस तरीके से बढ़ना है। और ओवरऑल जो आपने गैदरिंग की है इन्फॉर्मेशन की, यानी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है, ये आपको बदलाव लेने में एज एन इनपुट काम करता है। चलिए जरा इसकी थ्योरी देखते हैं। इनपुट ऑन चेंज, इन्वायरमेंट एनालिसिस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। क्या मिलती है हमें? जानकारी मिलती है विच गिव अंडरस्टैंडिंग, जिससे हमें समझदारी आती है, समझ आती है कि बदलाव क्यों हो रहा है, ऑफ चेंजेस हैपनिंग यानी बदलाव क्यों हो रहा है इन द इन्वायरमेंट एज वेल एज ऑफ फ्यूचर चेंजेस। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि बदलाव होने के पीछे ये कारण था तो आगे भी मुझे एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि इन इन वजह से बदलाव होता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग क्या होता है? ये एनालिसिस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन लाइक डिमांड कितनी है, मार्केट ट्रेंड कितना है, रिसोर्सेस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के पास, ETC, बेस्ड ऑन विच स्ट्रेटजिकल डिसीजन आर मेड, जिसके बेसिस पे हम स्ट्रेटजिकल डिसीजन वगैरह मेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है फैसिलिटेट स्ट्रेटजिकल थिंकिंग, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया लेकिन फिर भी पढ़ेंगे एक बार हम। इन्वायरमेंटल एनालिसिस फैसिलिटेट स्ट्रेटजिकल थिंकिंग, इससे हमें क्या मिलती है? स्ट्रेटजिकल थिंकिंग मिलती है विच रिजल्ट इन टू क्रिएशन ऑफ न्यू आइडिया एट कॉन्सेप्ट, कि हम जिसकी वजह से, जानकारी की वजह से नए नए आइडिया को, विचारों को जन्म दे पाते हैं, ठीक है। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल ऑन बिजनेस। तो भैया इसमें क्या होता है, समझदारी मतलब क्या क्या जानकारी, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग जो है वो इन्फ्लुएंस करती है इन्वायरमेंट को, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट किस तरीके से बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, आप इस तरीके से भी कह सकते हो। तो देखो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, कि भैया कुछ चीज़ें अपने आप बदलती है जिसकी हम क्या कहते हैं एंटिसिपेशन लगा पाते हैं, कुछ की नहीं लगा पाते। फैक्टर्स में कुछ हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ कंट्रोल में नहीं होते हैं। और स्वेट एनालिसिस होता रहता है ताकि हम पता कर पाएं कि एक्चुअली में हमें डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करनी है। और इमीडिएट इन्वायरमेंट में हमें चेक करना होता है कि कंपटीशन हमारा कितना है। ओवरऑल इसको 0 स्टार है, दोबारा से पढ़ना मत, टाइम वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अ मैनेजर मे यूज ऑफ फ्रेमवर्क प्लान टू अंडरस्टैंड इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट ऑन बिजनेस, कि जो मैनेजर है वो
एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा, एक प्लान तैयार करता है समझने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वायरमेंट में बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है। दोबारा से बोल रहा हूँ, एक मैनेजर किस तरीके के प्लान बनाता है समझने के लिए कि इन्वायरमेंट में बिजनेस को कौन कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है सर, स्टेप वन क्या क्या बनाता है सर? डिटरमाइन लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, वो पहले पता लगाएगा कि ओवरऑल अनसर्टेनिटी कितनी है, हमारे जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं या हमारे हारने के ज़्यादा चांसेस हैं। आइडेंटिफाई रिलेवेंट फैक्टर्स एंड डिटरमाइन फैक्टर्स विच आर अंडर दी कंट्रोल, कि हमारे हाथ में कितनी शक्ति है उस हैंडल को, मतलब सॉरी उस कंडीशन को, सिचुएशन को हैंडल करने की, ऑपरेशन एंड विच आर बी एंड डी कंट्रोल। और हमें ये पता भी लगाना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जिन्हें हमें अपनी स्ट्रेंथ से अपनी वीकनेस को मैनेज करना होगा। हाँ, उसके बाद सेकेंड स्टेप में लगाता है, सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व ऑडिटिंग ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन स्वेट। तो स्वेट क्या होता है ये हम सीखेंगे आने वाले चैप्टर में, तो आप परेशान ना हो, चैप्टर टू इसका नाम डाल दीजिए, वहाँ पे हम सीखेंगे स्वेट एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद थर्ड में है, दिस इज द फाइनल स्टेप वेयर कंसंट्रेशन एज शिफ्टेड टू इमीडिएट एनवायरनमेंट स्पेशली ऑन कंपटीशन। कुछ नहीं कह रहा वो ये कह रहा है कि इसमें हम फाइनली क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे किस चीज़ के लिए, ताकि हम कंपटीशन को क्या कर सके, मेंटेन कर सके, कंपटीशन को जीत सके, कंपटीशन से एक स्टेप आगे बढ़ के ओवरऑल सबको बीट कर सके, बस वो इतनी बात कह रहा है। तो सर ही क्या ये एग्जाम में याद रखने वाली बात है? नहीं, ये समझने वाली बात है। अगर वो पूछे कि एक मैनेजर क्या क्या स्टेप लेता है, तो आप इसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप स्वॉट एनालिसिस होता है, थर्ड में वो ये देखता है कि हम कंपटीशन को कैसे बीट करने वाले हैं, एंड फर्स्ट स्टेप में क्या होता है वो अनसर्टेनिटी में चेक करता है कि हमारी अंडर दी कंट्रोल क्या चीज़ें आती हैं और बी एंड दी कंट्रोल क्या क्या चीज़ें आती हैं। दैट्स इट, ये एक स्टार दूंगा इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस पर रटने का टाइम ही नहीं है, वैसे एक बार समझ लेना आप अपने हाथ से उसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस, कि क्या क्या समस्याएं आती हैं उन बातों को समझने के लिए, उस एनवायरनमेंट को समझने के लिए जो कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। समझना, क्वेश्चन को समझोगे तो आप लिख पाओगे कि एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि भैया कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं जो हमें परेशान करते हैं, तो इसके लिए कौन कौन सी समस्याएं आती है इस इन्फ्लुएंसेस को समझने के लिए। दोबारा से बोल रहा हूँ कि भैया इन्वायरमेंट है बिजनेस का, इसकी हमें इन्फ्लुएंसेस को जानना है कि इन्फ्लुएंसेस कौन कौन सी होती है, लेकिन इस इन्फ्लुएंस की अंडरस्टैंडिंग को लेके कि ये क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या क्या समस्या आती है। सर पहला होता है अनसर्टेनिटी, हम पढ़ चुके हैं, मल्टीफेसेटेड हम पढ़ चुके हैं, थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल ओपिनियन, एग्जाम में तीनों ही बातें लिखनी है, ये दो मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले से डिस्कस किया था। सर है पर्सनल ओपिनियन, सर पर्सनल ओपिनियन क्या होता है? सर पर्सनल ओपिनियन बेस्ड होता है पर्सनल वैल्यू पे, क्या पर्सनल वैल्यू पे, कि सामने वाले का सिद्धांत क्या है काम करने का, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड वाइल मेकिंग फ्रेमवर्क। यानी पर्सनल वैल्यू क्या होती है? सर देखो, मैं आपके लिए डेली बेसिस पे 3 से 4 वीडियो बना रहा हूँ, अब आपको क्या लगता है मेरा क्या माइंडसेट होगा? आधे से ज्यादा ये लोग सोचते हैं कि भैया बंदा अपना वेब कमा रहा है, जिन्हें मेरी ऑनेस्टी नजर आती है वो कहते हैं कि बंदा बंदा ऑनेस्ट है, वो लोगों की हेल्प कर रहा है। कुछ बंदे कह रहे हैं नहीं भैया ये अपना भी गेम खेल रहा है, आने वाले टाइम में ये सबसे ऊपर जाके फिर सारे लोगों को कम्पीट करके फिर अपना इंस्टीट्यूट खोल देगा, अपने ही पैसे कमाएगा। तो ये क्या था, मेरे बारे में लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या सोचा, ये ऑल डिपेंड था कि उनकी पर्सनल वैल्यू कैसी है, वो कैसी सोच रहते हैं और वो कैसी संगत में रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार यू आर लाइक अ एंजल, यू आर लाइक अ गॉड, तो वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर वो है। कहते हैं ना, एक ना रामायण है, रामायण रामायण हमारा एक ग्रंथ है हिंदू धर्म में, उसमें एक लाइन है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तही ला गई वैसी। दोबारा से बोलता हूँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तहु ला गई वैसी, इन द सेंस कि भैया जो इंसान जैसा होता है उसे वैसे ही भगवान भी दिखाई देते हैं। लेट सपोज एक मूर्ति रखी हुई है यहाँ पे, अब किसी को ये मूर्ति दिखाई दे रही है, किसी को पत्थर दिखाई दे रहा है, किसी को कठपुतली दिखाई दे रही है, किसी को ये भगवान नजर आ रहे हैं, तो जैसे इंसान की जैसी भावना होती है उसे वैसे ही सामने वाले की सीरत दिखाई देती है। एक और होती है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, इन द सेंस जैसी आपका सोच और आपका नजरिया होगा वैसे ही आपको दुनिया दिखाई देने वाली है। और ये कैसे होता है, ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल वैल्यू कैसी है। पर्सनल ओपिनियन क्या होता है कि भैया पर्सनल ओपिनियन बेस्ड करता है कि आपकी पर्सनल वैल्यू कैसी है। इट शुड बी अवॉइडेड वाइल फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, आपको याद रखना है कि भैया
आप एक चीज बोलते हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा हमें धोखा दे रहा है। अब ये पर्सनल ओपिनियन साइड रखो, ठीक है, पर्सनल ओपिनियन साइड रखो कि सामने वाला क्या सोचता है। आजकल बहुत सारे लोग, अरे भाई वो तो आपकी हेल्प कर रहा है, उसे पूछो उसकी डिग्री क्या है, वो सीए है नहीं है, वो कितने साल से पढ़ा रहा है, आपको कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहा, आपको तो कोई चीट नहीं कर रहा। ये तो वही बात हो गई कि कोई इंसान भूखा बैठा है, मैंने उसे खाना खिला दिया और उसको घर भेज दिया, तो ये पूछ रहा है जरा पता कर उसकी डिग्री क्या है। अबे तुम्हें तो खाना खाने से मतलब है ना, मैंने खिला दिया खाना। तो ये जो पर्सनल ओपिनियन है, फ्रॉड वाले, ये वाले, वो वाले, ये आपके दिमाग में इसलिए है कि या तो आपने किसी के से धोखा खाया है, या तो आप इन्फ्लुएंस हुए हैं कि सामने वाला बोल क्या रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा खेला जाता है, सिर्फ सीए फील्ड में नहीं, हर जगह पे पॉलिटिक्स इसी से बना पड़ा है सर। पॉलिटिशियन इसी गेम का यूज़ करते हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर मान लो मोदी जी ने योगा को फ्री करा दिया, कि योगा अगर आप एक्टिविटी आप दे रहे हो तो आपको इस पे जीएसटी नहीं देना पड़ेगा या टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप देखना। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया जो रामदेव बाबा है ना और जो मोदी जी हैं उनकी आपस में सेटिंग हो गई है, इसलिए रामदेव बाबा को टैक्स से बचाने के लिए उन्होंने योगा को बाहर कर दिया। लोग कहेंगे ऐसा, विपक्षी पार्टी जो होगी वो ऐसा कहेगी। तो ये कहा जाता है कि पर्सनल ओपिनियन को साइड रखें जब भी आप एक स्ट्रेटेजी को प्लान करते हैं, ठीक है। ओके, अभी पर्सनल ओपिनियन के बारे में पढ़ लेते हैं। अ मैनेजर ऑल्सो नोन सॉरी अ मैनेजर ऑल्सो ह्यूमन बींग, कि जो मैनेजर है वो एक इंसान भी होता है, एंड दे ट्राई टू ओवर सिंप्लीफाई सम सिचुएशन, कि ठीक है वो हमेशा कुछ चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अ स्ट्रेटेजिस्ट शुड नॉट गेट बायस बाय अ पर्सनल ओपिनियन, कि आप जो स्ट्रेटेजीज होते हैं, ठीक है, जो विशेषज्ञ होते हैं, जो स्ट्रेटेजी को बनाने वाले लोग होते हैं टॉप लेवल के, वो कभी भी बायस्ड होके, कभी भी बायस्ड होके कभी भी डिसीजन ना दें कि ये करो आप ये मत करो। एंड शुड टेक डिसीजन ओनली आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट, कि पूरा जब तक एनवायरनमेंट का एनालिसिस ना कर लो तब तक मत कहो। जब भी मेरे को कोई नेगेटिव कमेंट करता है मैं उसे यही कहता हूँ कि आपको मेरे बारे में पता ही नहीं है। जिस दिन मेरे बारे में 100% पता चल जाएगा उस दिन आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि मेरे जैसे इंसान कौन होते हैं और कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी किसी के लिए एक पक्ष को सुन के। मैंने ऑडिट में भी ये बात बोला था, वहां भी एक वर्ड आया था बायसनेस, वहां पे भी ये मैंने कहा था। कई बार क्या होता है, लेट सपोज आप मतलब मैं आपके पास आया और मैंने किसी की शिकायत की, अरे अरे वो देखो वो बहुत बुरा है, वो इस दुनिया का घटिया इंसान है। अब आप मुझे फॉलो करते हो, आपने उसको बुरा बना दिया। अभी पहले जान तो लो हकीकत में वो है कौन कौन नहीं है, ठीक है। और वैसे ही सामने वाले लोग भी करते हैं पॉलिटिक्स, उस सामने वाले बंदे के मान लो कितने भी फॉलोवर्स है, लेट सपोज कितने भी एक्स फॉलोवर्स है, इसने इनसे कहा कि भैया ये बंदा ना लोगों को चीट कर रहा है। अब इन लोगों ने बिना मेरे वीडियोस देखे, बिना मेरे 500 वीडियो को जाने, बिना मेरा कोई मोटिवेशन लेक्चर देखे, बिना मुझसे मिले, बिना मेरे बारे में जानकारी लिए डिसीजन मेकिंग कर दी कि ये बंदा बुरा है और मेरे एक बारे में नेगेटिव कमेंट्स डिसलाइक वगैरह चालू कर दिए। तो ये क्या था, तो वही वो सिखाने की कोशिश कर रहा है कि बेटा अपना जो सोच का लेवल है वो बढ़ाओ और जिंदगी में कुछ करके दिखाओ। और अगर आपको एक अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट बनना है तो याद रखना अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको साइड रखना। क्योंकि एक चीज याद रखना, इसको मैं भागवत गीता से रेट करूंगा, बुरा नहीं मानना, हमें सीखना है और सीखने का लेवल सिर्फ SM तक नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड को जीतना है तो हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। गीता में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया तुम ये कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हारी जीत होगी या तुम्हारी हार होगी, तुम बस अपना कर्म डिसाइड कर सकते हो कि मेरा कर्म क्या होगा। तो सिर्फ कर्म पे फोकस करो, सामने वाला अच्छा है बुरा है ये जजमेंटल बातें हैं, क्या ये जजमेंटल बातें हैं, हमेशा इसे अवॉइड करो। बस ये सोचो कि ये ड्रामा का पार्ट था और इससे तुम्हें एक लर्निंग लेनी थी, तुमने ली और तुम आगे बढ़ो। उसका भविष्य क्या है वो मैं डिसाइड करूंगा, ना ही कि आप। चलो छोड़ो, ये सारी बातें बच्चों वाली हो गई, कुछ इधर उधर ज्यादा बोल दिया हो तो माफ करना, बस आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा था। सर बात करते हैं पैस्टर एनालिसिस की। तो सर मैंने मैक्रो में एक आपको कीवर्ड बना के दिया था पैस्टर, ठीक है, ये वही है और ये सब आप खुद से पढ़ लेना, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। पैस्टर एनालिसिस आप जानते हो, बस ये कहूंगा, ठीक है। पैस्टर एनालिसिस में आपको एक चीज सीखनी है, एक होता है भैया प्रोएक्टिव, एक होता है रिएक्टिव। सर इस पे 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज प्रोएक्टिव व्हाट इज रिएक्टिव।
सर प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि जब हम एक्टिव होते हैं एडवांस में, मतलब हम समय से पहले तैयार हैं, ये होता है प्रोएक्टिव, और हम समय से पहले प्री प्लान्ड है, ये होता है प्री प्लान्ड, मतलब हमारी प्लानिंग पहले से है। जैसे मैंने अभी ग्रुप टू की प्लानिंग डाली है, ग्रुप वन की प्लानिंग डाली है, बोध ग्रुप की प्लानिंग डाली है, तो ये प्लानिंग क्या है, ये है प्रोएक्टिव। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि एट द मोमेंट सब कुछ चेंज हो जाता है, तो वहां जो हम एक्शन लेते हैं दैट इज नॉन एज रिएक्टिव। ठीक है, तो कभी भी आपसे 1-2 मार्क का करेक्ट ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए, तो आप कहोगे कि भैया ये प्रोएक्टिव होनी चाहिए ज्यादा और रिएक्टिव होनी चाहिए कम। ठीक है, मतलब होगे तो दोनों, याद रखना वो दोनों ही होंगे, कोई एक से बन ही नहीं सकता। तो प्रोएक्टिव ज्यादा होनी चाहिए कि आपकी प्लानिंग पहले से हर चीज को हैंडल करने की होनी चाहिए, और रिएक्टिव होनी चाहिए थोड़ी सी कम। ठीक है, पैटर्न एनालिसिस का मतलब क्या होता है? पैटर्न एनालिसिस इज यूज टू एनालाइज मैक्रो और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली आपको हमने पार्ट थर्ड में शायद डिस्कस किया था कि भैया पूरा का पूरा पैस्टर्न, सॉरी मैक्रो एनवायरनमेंट मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया है, तो यहाँ पे मैं नहीं लूंगा टाइम, सच में बता रहा हूँ। दिस एनालिसिस हेल्प टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, कि भैया जब पैस्टर्न एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया आपकी ओवरऑल थ्रेट क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है। इट इज अ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट टूल एंड इट इज मेक एन ऑर्गेनाइजेशन मोर प्रोएक्टिव एंड इट्स अप्रोच। ठीक है, ये क्या है, एक टूल है, टूल है, क्या है, टूल, टूल किसको कहते हैं, हथियार को। इस टूल से क्या होगा कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस टूल को तो हमें पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव कैसे बनाना है। ठीक है, प्रोएक्टिव मतलब पहले से तैयार कैसे करना है। तो ओवरऑल सर फिर यहाँ पे दिए गए हैं पेस्टल की मीनिंग, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोलॉजिकल, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल, ई से इकोनॉमिकल। ठीक है सर, अगर पेस्टल एनालिसिस का क्वेश्चन आता है 4 to 5 मार्क्स में, आपको ये डिजाइन करना होगा, और क्या करना है सिंपल सा तरीका बताता हूँ, पी ई एस टी, अब आप समझ जाओ नीचे क्या होगा आपका ई और एल। ठीक है, आप ऐसे एक फॉर्मेट ड्रॉ कर दोगे, और ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आपने जो मेरे से सीखा वो आप लिख देंगे, इकोनॉमिकल में जो आपने सीखा आप वो लिख देंगे, सोशल कल्चर में आपने जो जानते हो वो लिख देना, टेक्नोलॉजिकल में आप जो जानते हो वो लिख देना, मतलब ओवरऑल जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी को एक अच्छा सा इन्होंने ढांचा दे दिया है, तो इन्होंने इसका पैस्टर एनालिसिस का नाम दे दिया। ठीक है सर, गुड सर, अब हम आ रहे हैं कम्पिटेटिव एनवायरनमेंट पे, इस पे आ रहे हैं कम्पिटेटिव एनवायरनमेंट पे। एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ से पूछा जा सकता है, ये टॉपिक और आने वाला टॉपिक दोनों 5 out of 5 star टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एनर्जी लेवल हाई करके। सर कम्पिटेटिव एनवायरनमेंट इट्स इसेंशियल फॉर एनी बिजनेस, कि कंपटीशन जो है, कंपटीटिव एनवायरनमेंट होना हर बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपटीटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब हर बिजनेस के लिए उसकी कंपटीशन के एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है, एज कंपटीटर इज अ मेजर थ्रेट ऑफ लूजिंग मार्केट शेयर, आपके मार्केट शेयर को गिराने के लिए कंपटीशन में हमेशा हाय तौबा मची रहेगी, और वो लोग, ठीक है, हमेशा आपको पीछे करना चाहेंगे। जैसे लेट सपोज कि मेरे चैनल पे आपको DT भी मिल रहा है, GST भी मिल रहा है, ऑडिट भी मिल रहा है, ITSM भी मिल रहा है, ठीक है, और आपको मजदूर लिस्ट भी मिल रही है। ठीक है, अब मान लो ये चैनल, लेट सपोज मैंने 3 सब्जेक्ट पकड़ लिए, क्या पकड़ लिया, एक तो टैक्स पकड़ लिया, एक मैंने आपका ITSM पकड़ लिया, एक ऑडिट पकड़ लिया, और मैंने लॉ पकड़ लिया। अब भैया मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, टॉप 50, मैंने टॉप 50 बनाए, मैंने सिर्फ 50 बच्चों से फीस लेके सारी क्लासेस फ्री में डाल दी यूट्यूब पे, और 50 बच्चों को वो फायदा दिया ताकि उन सब की किस्म आगे 70 to 80 मार्क्स आ गए। ये कुछ स्पेशल टेक्निक होती है जो सिर्फ टॉप 50 को मैं बताता हूँ, सबको नहीं। तो अब फ्री क्लासेस जब यूट्यूब पे आ गई तो लेट सपोज मेरे सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ने लगे, और मेरे सब्सक्राइबर 4 to 5 लाख चले गए। ठीक है, इसका मतलब आप समझते हैं कि वो बच्चे जो वहां जाके क्लास लेने वाले थे वो अल्टीमेटली मेरे यहाँ से पढ़ेंगे, तो मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन का काम होने वाला हूँ। तो रियली बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, जो भी टीचर आपस में दोस्त नहीं थे, एक दूसरे का नाम नहीं सुनना चाहते थे, वो आपस में दोस्ती कर लेंगे। दूसरी बात मेरे बारे में, ये फ्यूचर बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारी अफवाहें आने वाली हैं, बहुत सारी टीचर इनडायरेक्टली मुझे कमेंट करने वाले हैं, बोलने वाले हैं, और वो यही कहेंगे कि इसको छोड़ दो, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ये आपको मिसगाइड कर रहा है, ये आपको मिसलीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुझे मार्केट से हटाना चाहते हैं। इससे उनका क्या फायदा होगा, अगेन उनका मार्केट शेयर हाई चला जाएगा और उनका प्रॉफिट का रेशियो
बढ़ जाएगा। अदरवाइज अगर मैं रह गया 4 से 5 साल इस इंडस्ट्री में तो सबका पत्ता साफ हो जाएगा, मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन बनने वाला हूँ। मेरे को कहीं से कोई डर नहीं है क्योंकि मैं प्रोसेस से प्यार करता हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उससे प्यार करता हूँ। दूसरा तरीका क्या है मुझे हटाने का, वो मुझे हायर कर लेंगे, कहेंगे अरे यार तू हमारे यहाँ आके बड़ा तो खुद का ये सब काम मत कर, इसमें क्या रखा है, टॉप 50 से तू कितने ले लेगा, मुश्किल से 2,000 एक बच्चे से ले लेगा, ओवरऑल तेरे पास कितने आए 1 लाख, तू हमारे पास आ हम तुझे 10 लाख देंगे लेकिन तू हमारे यहाँ पढ़ा। अब भाई ये तो 10 टाइम्स है ना, मेरी नीयत खराब हो सकती है। तो वो कुछ ना कुछ करके या तो मेरा यूट्यूब चैनल मुझे हटाएंगे, या तो मुझे बदनाम करेंगे, या तो मुझे हायर करेंगे, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी वो लगाएंगे। लेकिन मैं जो भागवत गीता है उसको फॉलो करते हुए एक चीज जानता हूँ कि उनकी प्लानिंग तभी चलेगी जब मैं एक्ट करूँगा। मैं एक्ट ही नहीं करूँगा वो कुछ भी करेंगे, सिंपल सी बात। क्यों? क्योंकि मुझे एक सिंपल चीज बता है, डू योर बेस्ट, क्या डू योर बेस्ट लिव द रेस्ट, सब परमात्मा पे छोड़ दो और अपना काम अपने सर्वश्रेष्ठ तरीके से संपन्न करो। ये जीतने का सबसे बड़ा ट्रिक होता है। कंपटीशन इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल, मतलब कंपटीशन हमेशा हार्मफुल भी नहीं होता, बट इट इज ऑल्सो मोटिवेट बिजनेस टू इम्प्रूव। दूसरा तरीका हो सकता है कि वो भी रिविजन क्लासेस डालें, वो भी कुछ फ्री लेक्चर्स डालने लग जाए, वो भी कुछ तरीका अपना सकते हैं कंपटीशन को हैंडल करने का, ठीक है सर। उसके बाद कंपटीशन इज ऑलवेज इंजॉय बाय कस्टमर, जो कंपटीशन होता है। अब देखो मैं कंपटीशन में आ गया, फ्री लेक्चर्स डाल रहा हूँ, अब आप सब कितने मजे से लेक्चर देख रहे हो आप घर पे बैठ के, इंजॉय बाय द कस्टमर, ठीक है। विथ इंक्रीज्ड कंपटीशन, जिससे कंपटीशन होता है बढ़ता है, ऑप्शन टू कस्टमर, जिससे कस्टमर के पास ऑप्शन आता है, ऑप्शन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ बार्गेनिंग पावर, कि उनके पास बार्गेनिंग पावर आती है, जहां वो अच्छी खासी 8,000 से लेके 20,000 तक फीस पे करके आ रहे हैं। अब वो उनसे बोलेंगे सर थोड़ी फीस कम कर दो, वरना विनीत मिश्रा को 2,000 रुपये देके हम उनसे पढ़ लेंगे, ठीक है, या फिर उनका फर्स्ट ट्रैक बैच 4 to 5,000 का जो 6 से 7 दिन का होने वाला है वो ज्वाइन कर लेंगे, और वो बंदा 6 से 7 दिन में उतना सिखा देगा जितना आप 3 महीने में सिखाने वाले हो, देख लो सर फीस कम कर दो। अब इनको क्या करना पड़ेगा, फीस को डाउन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है आपको। तो टू अंडरस्टैंड कम्पटीटर्स एंड कम्पिटेटिव फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसीडर्ड, उन्हें क्या क्या देखना पड़ेगा, उन्हें देखना हु आर द कम्पटीटर्स, उन्हें देखना पड़ेगा कम्पटीटर कौन से। मैं तो रियल बोलूँ, मैं अपने आप को अपना कम्पटीशन किसी को समझता ही नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि मैं पागल हूँ। क्या हूँ मैं? पागल। प से होता है प्रगतिशील, ग से होता है गतिशील, एल से होता है लगनशील। सर सारे जो लोग आपको मिलेंगे मार्केट में वो सीए मिलेंगे, पागल कोई नहीं मिलेगा, मैं पागल हूँ। प्रगतिशील यानी हमेशा प्रोग्रेस में कंटिन्यू रहना, गतिशील मतलब स्पीड में कंटिन्यू रहना, लगनशील मतलब फुल्ली डेडिकेटेड टू योर वर्क। मैं अपना कंपटीशन किसी को नहीं समझता, लोग अपना काम करें जो करना है करें, मैं अपना काम करूंगा अपने तरीके से क्योंकि मैं पागल हूँ। और मुझे एक चीज़ पता है, अगर मेरे कर्म के पीछे मेरी इंटेंशन अच्छी है, मेरा कर्म और मेरी इंटेंशन अच्छी है, तो मेरे साथ भगवान गॉड अल्लाह हमेशा रहेंगे, और वो अगर है मेरे साथ तो मैं हर चीज में कामयाबी तरक्की आसानी से पा लूंगा। जितना लोग 100 बार करके रिजल्ट पाते हैं मैं 1 बार में कर लूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे कर्म और मेरे इंटेंशन पवित्र हैं, शुद्ध हैं, ठीक है, जिसे उर्दू में कहते हैं पाक है। हाँ तो हु आर द कम्पटीटर्स, मुझे देखना पड़ेगा, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मुझे कम्पटीटर समझ रहे हैं। वो कहेंगे अभी ये है कौन लड़का विनीत मिश्रा, उसके बाद व्हाट दे आर सेलिंग, अब ये सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहा है, मैं भी DT पढ़ा रहा हूँ वो भी DT पढ़ा रहा है, सिमिलर सिमिलर गलत बात। वाट आर दियर मार्केट शेयर, उसका मार्केट शेयर क्या रखना है, अरे सर बात मत करो, हर मंथ उसके 5,000 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। वाट आर दियर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सर उसकी स्ट्रेंथ ये है कि भैया वो कम से कम कॉस्ट में सिर्फ टॉप 50 बनाता है और तो कोई बनाता ही नहीं, उसकी स्ट्रेंथ है, और इन्हीं से जो लेगा वो लेगा, बाकी इसको पैसे चाहिए ही नहीं, इसको बस कॉस्ट रिकवरी करके क्लासेस डालनी है। वीकनेस क्या है, वीकनेस ये है कि वो करोड़पति हैं, उनके पास इतना फाइनेंस है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और मैं नहीं कर सकता, वो कुछ भी बोल सकते हैं मैं नहीं बोल सकता, वो कुछ भी अफवाह बना सकते हैं मैं नहीं बना सकता, उनके पास गवर्नमेंट पावर लीगल पावर सबकी अभी तक आ चुकी होगी और मेरे पास सिर्फ अपने दोस्तों का और अपना सब्सक्राइबर का सपोर्ट है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। मेरी वीकनेस क्या है, मैं इनके इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूं, बट मेरे पास सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे पास सबसे बड़ा मेरे गॉड का साथ है, और जिसके साथ एक गाना है ना, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, जिसके साथ मेरा भगवान। हाँ वाट आर दियर बैक पोटेंशियल स्ट्रेटजी, उसके जीतने का तरीका क्या है,
मिलिंद मिश्रा की जीतने का तरीका क्या है अगर वो एनालाइज करे तो, भैया वो बंदा क्या है, पागल है। वो कुछ भी कराने लग जाएगा, कल से कॉस एफएम चालू कर देगा, एडवांस अकाउंट चालू कर देगा, तो उससे पंगा ना ही लो तो बेटर है। सिंपल तरीका है, आप अपना काम करो, मुझे अपना करने दो, आप अपना खाओ मुझे अपना खाने दो, सिंपल सी बात, ठीक है। ओके, उसके बाद है कॉपरेशन इन कंपटीशन, ये टाइप्स ऑफ कॉपरेशंस, ठीक है, क्या क्या होते हैं। तो भैया कॉपरेशन क्या होता है, जहां पे टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर, मतलब दो लोग साथ में आते हैं, दो लोग क्या होते हैं साथ में आते हैं। जैसे प्रवीण शर्मा सर हैं, प्रवीण शर्मा सर कुछ दिनों पहले सुमित सर को लाए थे, अभी सीएमए रजत जैन सर को लाए थे, देख लो भैया मैं रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, सर को लाए थे, ठीक है। तो सर को लाए थे, तो ये क्या होते थे, प्रवीण शर्मा सर कोलेब्रेशन कर लेते हैं जो भी बेस्ट फैकल्टी होता है उनके साथ, ठीक है। मतलब वो खुद चाहते हैं कि उनकी ब्रांड और शाइनिंग करे, प्रवीण शर्मा सर तो अपने आप में लेजेंड है, तो वो और भी अच्छे लोगों को अपने साथ ज्वाइन करते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले कालरा सर और स्वप्निल पातनी सर का वीडियो आया था कि अब वो कॉलैब कर रहे हैं, वो दोनों एक साथ कर रहे हैं। तो जहाँ पे टू और मोर कंपनीज कम्स टुगेदर, जब वो लोग साथ में आते हैं टू कॉपरेट विथ इट्स अदर, ताकि वो एक दूसरे के सहयोग से क्या कर सके, मार्केट में रूलिंग पावर चला सके, ठीक है। इससे क्या होगा, इंक्रीज बढ़ेगा, सॉरी इससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट होगी कम होगी। तो सर ये जो है ये तीन टाइप के होते हैं कॉपरेशन, कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। एक तो होता है कार्टलाइजेशन, एक होता है किरेत्सु, एक होता है इंटरनल कॉपरेशन, ठीक है। क्या होते हैं ये सर, धीरे धीरे सीखते हैं हम। सर पहले बात करते हैं कार्टलाइजेशन की, क्या होता है ये। इन दिस टू और मोर फर्म्स, यहाँ पे दो या दो से अधिक जो फर्म्स हैं कम्स टुगेदर, कम्स टुगेदर यानी वो एक साथ आती हैं टू मैनुपलेट, ताकि वो मैनुपलेट कर सके किसको, मार्केट कंडीशन को, टू ड्रॉ अनड्यू बेनिफिट्स, ठीक है। मतलब जबरदस्ती का प्रॉफिट कमाने के लिए, एग्जाम्पल शॉर्ट सप्लाई, एग्जाम्पल शॉर्ट सप्लाई, एग्जाम्पल लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि मार्केट में पेट्रोल आना है, पेट्रोल की गाड़ी को यहाँ ब्लॉक कर दिया गया, मार्केट में पेट्रोल ही नहीं है, मार्केट में पेट्रोल नहीं है तो फाइनली रेट क्या होगा, मान लो अभी 70 है तो वो 150 पहुंच जाएगा, 250 पहुंच जाएगा। अब जब ये हाई पहुंचा तब कहेंगे आ गया जी पेट्रोल आ गया, अभी दबा के बेचेंगे, इससे क्या होगा, मैनिपुलेशन क्रिएट होती है। तो जब दो और दो लोग मिलते तो हैं, लेकिन इसलिए मिलते हैं ताकि वो अनड्यू बेनिफिट्स ले सके, ठीक है, जबरदस्ती का प्रॉफिट ले सके, गलत तरीके से प्रॉफिट कमा सके, तो हम इसको कार्टलाइजेशन कहते हैं। दीज फर्म यूजली डू शॉर्ट सप्लाई, ये जानबूझ के शॉर्ट सप्लाई करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, जिसकी वजह से प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। कार्टलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्टल, ठीक है। कार्टल मतलब होता है छोटे छोटे लोगों का समूह मिलके क्या करते हैं, वो अपनी गैंग बना लेते हैं, गैंग ऑफ वासेपुर। इट इज हार्मफुल फॉर कस्टमर, ये कस्टमर के लिए नुकसानदायक होता है, क्यों, क्योंकि सेम क्वालिटी के लिए उसको हायर प्राइस पे करना पड़ जाता है, कंपटीशन एज वेल इकोनॉमी, कस्टमर के लिए भी नुकसान है, कंपटीशन के लिए क्यों नुकसान है, क्योंकि बाकी जो छोटे मोटे लोग होंगे वो गिर जाएंगे, हाँ, और वेल इकोनॉमी, जिससे इकोनॉमी भी क्या होगी, डाउन हो जाएगी, जीडीपी रेट गिर जाएगा। इट इज एन ऑलिगोपोलिस्टिक कंडीशन, ठीक है, जहां पे एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर होते हैं, ये आपने सीखा होगा, याद आ रहा है आपको, आपने 12th की इकोनॉमिक्स में सीखा होगा ओलिगोपोली, यानी वहां पे क्या होता है, एक सेलर और मल्टीपल बायर्स होते हैं, कंडीशन दैट बट ट्राई टू क्रिएट मोनोपोली, लेकिन वो मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ओलिगोपोली और मोनोपोली में क्या अंतर होता है, ओलिगोपोली में दो चार लोग सेलर होते हैं और बाकी ऑल कस्टमर होते हैं, ठीक है। ओलिगोपोली में क्या होता है, दो चार सेलर होते हैं और ऑल कस्टमर होते हैं, जबकि मोनोपोली में एक सेलर होता है, बाकी सिर्फ सिर्फ कस्टमर होते हैं। एग्जाम्पल गवर्नमेंट, एग्जाम्पल IRCTC, ठीक है, गवर्नमेंट एक है, रेलवे का एक ही डिपार्टमेंट है, लेकिन उसको बहुत सारे कस्टमर को डील करना होता है। और ओलिगोपोलिस में आप क्या सकते हो, एयरबेस, हाँ, सबको थोड़ी ना लाइसेंस मिलता है एयरप्लेन को उड़वाने का, ये इसका एग्जाम्पल है बेस्ट। चलिए सर उसके बाद आप खुद से देख सकते हैं अब इसे, उसके बाद है किरेट्सु, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, 3 स्टार टॉपिक है। किरेट्सु क्या होता है सर, इन दिस टू और मोर फर्म्स कम टुगेदर टू ड्रॉ सम बेनिफिट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेटअप ऑफ मार्केट, यानी पिछले वाले में क्या था, कार्टल में वो लोग गलत तरीके से बेनिफिट कमाना चाहते हैं, इसमें सही तरीके से कमाना चाहते हैं। सर एग्जाम्पल दो ना सर, पिज्जा प्लस पेप्सी, पेप्सी होता है कोक होता है, जरा देख लेना मुझे याद नहीं, तो पिज्जा होता है पेप्सी होता है, ये दोनों आपको एक साथ मिल जाएंगे, और पिज्जा वाले में कभी भी आपको पेप्सी मैक्सिमम मिलेगी,
ज्यादातर इन्हीं की ब्रांड मिलती है। इससे क्या होता है भाई, लोग कुछ तो पियेंगे, तू पेप्सी पिला, ठीक है, आपस में दो लोग मिलके साथ में आते हैं ताकि इसका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो जाए। हम किसी मार्केट को डाउन नहीं कर रहे, हम बस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। दे नेवर मैनुपलेट मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन को कभी मैनुपलेट नहीं करते, ठीक है। अब इसके लिए क्या बेस्ट एग्जाम्पल देंगे आप, इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे पिज्जा पेप्सी बेस्ट है। इट इज नॉट हार्मफुल फॉर कंपटीशन, ये कंपटीशन के लिए हार्मफुल नहीं होता, इकोनॉमी और कस्टमर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ऊपर वाला जो एग्जाम्पल मैंने कोई गलत एग्जाम्पल तो नहीं दिया था ना ऊपर? हाँ, तो सर देखो अभी अभी छोड़ो, रहने दो, किसी के बारे में व्यंग नहीं करना चाहिए, गलत बात है। उसके बाद इट इज जापानीज टर्म, कि जो किरेट्सु होता है वो एक जापानीज टर्म है, एंड बी सीन इन वेरियस इंडस्ट्री, जो कि बहुत सारे इंडस्ट्री में देखने के लिए मिलता है इन जापान, लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मिलने आएगा, बैंकिंग इंडस्ट्री वगैरह में आपको ये मिलता रहता है, ठीक है, ओके। उसके बाद थर्ड है सर इंटरनल कॉपरेशन, सर ये इंटरनल ऊपर लिखा है, कॉपरेशन नीचे लिखा है। इंटरनल कॉपरेशन में क्या होता है, फैमिली ड्रामा होता है। सबसे अच्छा क्या आप बोलोगे, फैमिली ड्रामा होता है। फैमिली ड्रामा में मतलब होता है एक बाप होगा, उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर दिया होगा, उसके कुछ नालायक बच्चे हो जाएंगे, वो लड़ेंगे मेरा प्रॉपर्टी मेरा प्रॉपर्टी, और इनके ड्रामे जो होते हैं वो मैगजीन्स वगैरह में बाहर आते रहते हैं। देर आप यहाँ पे इस तरीके से बोलो कि जैसे इसमें आपको मैंने क्या कहा, फैमिली होती है और उसमें बंटवारा होता है, और ये इस तरीके से अपने बिजनेस को इंटर कॉपरेशन में ही रहते हैं, लेकिन वो झगड़ा वगड़ा करते रहते हैं। इन फैमिली ऑन बिजनेस, जैसे फैमिली का खुद का बिजनेस होता है, मेंबर्स होल्ड्स की मैनेजेरियल पर्सन, और सारा का सामरा जो पप्पा जो होते हैं उन वो मैनेज करते हैं, एंड देयर क्वेरल्स उनके झगड़े होते हैं, एंड कॉन्फ्लिक्ट उनके फसाद होते रहते हैं, ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस कि भैया अब से मैं हैंडल करूंगा, आपसे मैं हैंडल करूंगा द मैनेजेरियल डिसीजंस एंड द मैनेजमेंट, ठीक है, कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम संभालेंगे, हम संभालेंगे। दो बेटे होते हैं, उनमें फाइट होती रहती है कि मैं लूंगा और मैं लूंगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, यही होता है इंटरनल कॉपरेशन, बहुत ईजी है, आप खुद से लिख सकते हैं। उसके बाद सर सक्सेशन मैनेजमेंट, सक्सेशन मैनेजमेंट होता है कौन होगा अधिकारी, कौन होगा अधिकारी, मतलब सक्सेशन मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ ट्रिकी एंड कॉन्फ्लिक्ट इशू फॉर बिजनेस। इसमें क्या होता है कि मेरा वारिस कौन, बाहुबली बाहुबली में कौन था, राणा था और बाहुबली था, महेंद्र बाहुबली, तो वो भैया की माहिष्मति का कौन राजा बनेगा, दैट इज ट्रिपिकल होता है। इट शुड बी मैनेज्ड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द कंपनी, कि हम ये कंपनी के अंदर ही अंदर सब मैनेज करते हैं, मतलब चार दीवारियों के बीच में, कि किसी को पता ना चले, और विदाउट फॉलिंग इन आइज, ठीक है, किसी की आंखों में आए बिना, विदाउट फॉलिंग इन आइज मतलब ये नहीं कि आंखों का गिर जाना, इसका मतलब किसी की आंखों में आए बिना, और स्पेशली किसकी, मीडिया की आंखों के आए बिना हम सारी बातें चार दीवारी में सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो हुआ नहीं था, यहाँ तो अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी देवसाना को भी लेके, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल है मुरुगप्पा एंड रिलायंस, रिलायंस में इसमें फेलियर हो गया था, ठीक है, क्योंकि झगड़ा आ गया था लोगों के सामने, मुरुगप्पा सक्सेसफुल हो गए थे। ये हरक्यूलिस साइकिल वगैरह आपने सुनी होगी, ये इन्हीं की है, ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक रह गया सर कंपटीशन एनालिसिस। कंपटीशन में एनालिसिस में हमारा सबसे बड़ा फेमस है माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस, ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस। सर पहला फोर्सेस है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ठीक है, राइवलरी अमंग फर्म्स, ठीक है, आपस में फर्म के बीच में राइवलरी होना, युद्ध होना, दुश्मनी निकालना कि भैया हम जीतेंगे। तो ओवरऑल इसमें एक एक करके चीज़ें देखनी होती हैं। आप इस प्रोसेस को कैसे समझते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रेशर को जो कि एसोसिएटेड होता है ईच फोर्स, यानी पांचों फोर्स को एक दूसरे से जोड़ के देखेंगे कि किसका क्या लिंक बन रहा है। स्टेप टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ द प्रेशर, आप उस प्रेशर की स्ट्रेंथ देखेंगे कि प्रेशर मच्छर के बराबर है या कुत्ते के काटने के बराबर है। मच्छर काटता है तो हल्का सा एक झापड़ मारो मर जाता है, कुत्ते को काटोगे और काटेगा जोर से। डिटरमाइन वेदर कम्युलेटिव स्ट्रेंथ, कि भैया अगर ये सारे प्रेशर एक साथ अगर आ गए मेरे ऊपर तो मेरा क्या होगा। ऑफ ऑल प्रेशर हेल्प्स टू अर्न अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स, ठीक है, और हम देखेंगे कि भैया इससे मुझे प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है। सर क्या है ये, सर ये है
फाइव फोर्सेस मॉडल, ठीक है, और ये खत्म, तो हमारा चैप्टर फिनिश। सर एक एक करके समझते हैं, ठीक। सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं। ये एक चार्ट है, ये बीच में है, राइवलरी अमंग फर्म्स की, आपस में युद्ध होने वाला है सबका। पहला सर समझते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, कि नया बंदा आ गया। नया बंदा कौन आ गया? विनीत मिश्रा आ गया मार्केट में, ठीक है, यूट्यूब पे आ गया। प्रेशर एक्सरसाइज बाय न्यू एंट्रीज, मतलब मैं आ गया तो मान लो कोई एग्जिस्टिंग प्लेयर है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, कोई भी एग्जिस्टिंग प्लेयर है, उस पर थ्रेट आएगा कि यार ये नया बंदा आ गया, ये मेरे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। जैसे आप बिजनेस के मामले में ले सकते हो, जैसे बिग साइज ऑफ फर्म्स है, जियो आ गया, वॉलमार्ट आ गया, तो क्या हो गया, जो बाकी जो लोग पैसे चूस रहे थे लोगों के, उनकी बोलती बंद हो गई। स्ट्रांग ब्रांड इमेज, तनिष्क की इमेज बहुत अच्छी है, अगर इस न्यू एंट्री की बिग साइज फर्म है तो भी ये बेनिफिट उठा लेगा, अगर इसकी ब्रांड इमेज बहुत अच्छी है तो भी ये बेनिफिट उठा लेगा, अगर इसका रेंज ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो भी अच्छा उठा लेगा, और अगर प्राइस कम है तो भी ये मार्केट को हिला सकता है, टेक्नोलॉजी अच्छी है तो भी उठा सकता है। तो मैं किस कैटेगरी में आता हूँ? मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, ठीक है, मेरा रेंज ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, प्राइस बिल्कुल लो है मेरा, टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मुझसे अगर कोई मुझे एनालाइज करना चाहता है कि विनीत मिश्रा किस तरीके से हमें टक्कर देगा, तो इन तरीके से दे सकता है। ब्रांड इमेज अब बन रही है, धीरे धीरे बन रही है, 2 साल के अंदर बहुत ऊपर चली जाएगी अगर मैं लगातार रहा तो। और बिग साइज ऑफ फॉर्म नहीं, ये मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये मेरे ऊपर अप्लाई होता है 20-40% अभी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते, थोड़ा सा समय लगेगा, हो जाएगा सब। रेंज ऑफ प्रोडक्ट हाँ मैं जीत सकता हूँ, प्राइस में मैं जीत सकता हूँ, टेक्नोलॉजी में मैं उनसे पीछे हूँ, लेकिन यूट्यूब जब तक साथ है, जियो तब तक साथ है, तब तक हम जीत सकते हैं। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, अब ये जो लोग हैं वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के बारे में देखो। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या होता है कि लेट सपोज चाय पीने गए थे, उसने कहा कि भैया चाय नहीं मिल सकती, मैंने पूछा कुछ और है, उसने कहा कॉफ़ी है, मैंने कहा वो दे दूँ, दैट इज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कि जब एक प्रोडक्ट दूसरे को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। प्रेशर एसोसिएटेड विथ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, पहला सर ईज ऑफ यूज, जितना ईजी यूज करना होगा उतना ज़्यादा सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ सकती है। अब जैसे मेरे वीडियो देखना, जीएसटी के, ऑडिट के, ITSM के, कितना ईजी है, यूट्यूब पे आओ, चैनल पे जाओ, क्लिक करो, देखने लग जाओ, कोई फीस पे नहीं करनी, ईजी टू यूज, हाँ मैं उन्हें कम्पीट कर सकता हूँ। प्राइस ठीक है, टूई और कॉफी किसका ज्यादा है? अब मेरा प्राइस देखो, लेट सपोज मैं अब तक जैसे टॉप 50 चला रहा था, तो मैं 50 मार्क्स के लिए 2000 चार्ज कर रहा था, लेकिन कुछ मतलब DT और GST के मैंने सेपरेट चार्ज किए थे, बाकी सबका सेम चार्ज किया था। ऑडिट में मैंने 2K में ही, मतलब 2000 में ही करवा दिया था टॉप 50 का, ठीक है। लेकिन जो सर्विस इन्हें मैं देता हूँ वो कुछ यूनिक होती है, वो शेयर नहीं करूँगा सबके सामने, वो पर्सनल है, हाँ सिर्फ वो टॉप 50 को बताता हूँ कि उन्हें क्या सर्विस दी गई। तो अब इसमें मैंने क्या किया, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्या मेरा प्रोडक्ट आसानी से मिल जाता है? हाँ जी, यूट्यूब पे विनीत मिश्रा डालो तुरंत मिल जाता है, किसी को कोई भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, सर्वस से है, एक ही चैनल सबके लिए भारी है। टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करता हूँ? भैया सबसे सिंपल टेक्नोलॉजी है, फ्री वाली टेक्नोलॉजी है, पैसे भी नहीं लगाने, बस जियो का रिचार्ज कराओ और देखते जाओ, समझ आ रहा है आपको? क्या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन दे सकता है? हाँ दे सकता है। क्या मैं नया भी हूँ और सब्स्टिट्यूट भी हूँ? हाँ। तो क्या मेरे पास ये वाली पावर और ये वाली पावर दोनों है? हाँ। अब इससे किसको डर लगेगा? मेरे कंप्यूटर को, मुझे क्या डर लगना चाहिए? देखते हैं अभी, देखते हैं अभी, ओके। उसके बाद सर बायर की पावर सुनो, बायर यानी आप लोग, बायर यानी आप लोग, ठीक है। अब बायर की सर सबसे अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, बायर को क्या पसंद आता है? अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब थोड़ा सा यूनिक। मैंने कहा कि अगर मैं लाइव आऊंगा, फास्ट ट्रैक बैच कराऊंगा, तो मैं बहुत सारी सर्विसेज देने वाला हूँ अनडिफरेंशिएटेड। पहली, मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा के 1 आवर के हर सब्जेक्ट के रिवीजन ऑडियो रिकॉर्ड करके दूंगा ऑन द स्पॉट। नोट्स जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इससे मैं 50% अभी और पिक्चराइज फॉर्म में आपको देने वाला हूँ स्लाइड शो के साथ, ठीक है। और क्या करने वाला हूँ, आपके लिए एक ऐसा ग्रुप बनाऊंगा जहाँ पे मैं, ठीक है सर, फास्ट ट्रैक की बात कर रहा हूँ, जो 4-5 डेज में आपके 100 मार्क्स कवर करवाएगा, उसकी बात कर रहा हूँ, टॉप 50 तो छोड़ ही दो। उसके बाद मैं आपको क्या देने वाला हूँ, मैं ग्रुप में आपकी रोज 1 आवर एक्टिव रहूंगा, सारे डाउट लिया करूंगा। इसके अलावा भी एक सर्विस दूंगा, वो है फोन कॉल्स की, आपके लिए ही मेरा एक नंबर इशू होगा जिसमें मैं आपको टाइम बता दूंगा और रोज तकरीबन 10 बच्चों के पर्सनल डाउट लिया करूंगा। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कोई कॉपी कर सकता है तो कर लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप में अगर दम है, डेडिकेशन है, आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ परचेज, कि वो कितनी मात्रा में खरीदने वाले हैं। अब एक बच्चे ने कहा सर आप क्या क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा भैया टैक्स पढ़ाने वाला हूँ इस बार, ITSM करवाने वाला हूँ,
ऑडिट कराने वाला हूँ और लॉबी कराने वाला हूँ। सर कितने ले रहे हो आप? मैंने कहा यार अब मैंने ना 100 मार्क्स के लिए टॉप 50 की फीस 35 कर दी। उसने कहा सर ये गलत है सर, अब मैं आपके चारों लेना चाहता हूँ, तो आप इसमें भी ना 3 लगा दो, 3 3 3, ओवरऑल 12 बन रहे। मैं 12 भी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ 10 दूंगा। अब बोलो, अब ये जब उसे ज़्यादा की बात करेगा तो आँखों में क्या दिखता है? डॉलर। आँखों में क्या दिखता है? डॉलर। तुम कहो चल चल कोई बात नहीं, तू कर ले, बात कह रहा हूँ समझाने के लिए बस, ठीक है। अब नंबर ऑफ बायर्स, अगर बायर ऑफ बहुत ज़्यादा है, मेरे बायर बहुत ज़्यादा है, तो भी वो मार्केट को पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बायर मे फॉर्म कार्टेल, बायर जो होता है मे फॉर्म कार्टेल, वो कार्टेल बना सकते हैं। कार्टेल क्या होता है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, टू इन्फ्लुएंस प्राइस एंड क्वालिटी। सर एक्चुअली मैं मजेदार बताता हूँ, जो भी स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ बताता हूँ, मैं इसको 90% चेंज कर देता हूँ विद इन मंथ के अंदर। मेरे अंदर यही खास बात है, मैं अगर यूट्यूब पे कुछ बोल चुका हूँ तो याद रखना ये बंदा पक्का चेंज कर देगा। जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं करता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। मतलब ऐसा ही तो कुछ तो करने वाला हूँ, लेकिन क्या करने वाला हूँ पूरी तरीके से यूट्यूब पे सच नहीं बोल सकता, वरना मेरे कंपटीटर्स मेरे ही वीडियो देख के मुझे ही सस्पेंस में डाल देंगे। तो मैं इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखता हूँ। उसके बाद सर सप्लायर, सप्लायर मतलब हम जैसे लोग जो प्रोडक्ट देने वाले हैं, तो ये सर बार्गेनिंग पावर फैक्टर डिटरमाइनिंग बार्गेनिंग पावर्स ऑफ सप्लायर। सप्लायर मतलब जो मुझे सर्विस देते हैं, जैसे मुझे चाहिए जियो का नेट या एयरटेल का किसी का भी नेट, मुझे चाहिए यूट्यूब, मुझे चाहिए एक ऐसी जगह जहाँ मैं डाटा स्टोर कर सकूँ, तो ऐसी जगह जो मुझे चाहिए उनके लिए बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ सप्लायर, कि सप्लायर कितने हैं। मान लो एक ही बंदा सिर्फ जियो ही मार्केट में है, तो मुझे उसके पैर पकड़ने पड़ेंगे कि भाई टाइमली नेट दे देना, टाइमली स्पीड दे देना, वरना मैं लाइव आऊँगा तो फिर नेट बुक बुक करेगा तो मेरा तो काम चलने का नहीं। और मान लो जो मेरे कंप्यूटर हैं उन्होंने जियो को खरीद लिया और बोल दिया इस बंदे को मत देना, तब तो मेरा काम ही रुक जाएगा ना भाई। इसलिए सप्लायर को पता चल गया कि विनीत मिश्रा को हमारी ज़रूरत है, अगर हमने इसको सपोर्ट नहीं किया तो ये बिखर जाएगा, तो ये अपनी प्राइस को 10 रुपये की जगह 25 भी मांग सकता है सर, अगर इसको ये बात पता चल गई। इसलिए कभी सप्लायर को पता मत चलने दो कि वो कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, वो कितनी जल्दी मुझे काम पे टाइम पे काम करके दे सकता है। मतलब मुझे चाहिए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए मुझे 8 बजे, अब वो 8 बजे ही ला के देता है तो ये बहुत अच्छा सप्लायर है। 8 बजे बुलाया, दे रहा है वो मुझे 4 दिन बाद, तो कैसा सप्लायर है? गंदा सप्लायर है। डिफरेंशिएट रिसोर्सेज, डिफरेंशिएट रिसोर्सेज मतलब एयरटेल का नेट और जियो का नेट, नेट तो नेट है लेकिन दोनों में डिफरेंशिएशन है। वॉल्यूम ऑफ परचेज, कि मैं उसे कितना खरीद रहा हूँ, मैं उसे जितना ज़्यादा खरीदूंगा उसकी पावर उतनी ही डाउन होती जाएगी क्योंकि उतने पे मुझे कोई भी दे देगा, दैट्स इट, ठीक है सर। उसके बाद हमने बीच में सर हमारा रह गया राइवलरी फर्म्स अमंग, तो जो भी फर्म्स के अमंग में है आपको इन्हें आपस में रिलेट करना है, इनके पास पावर होती है सर प्राइस कितना रखें, क्वालिटी कितनी रखें, डिस्ट्रीब्यूशन कितना रखें और टेक्नोलॉजी कितनी रखें, ठीक है सर। तो इसी के साथ आपके ओवरऑल 4 पार्ट्स बन गए और 4 पार्ट्स में चैप्टर 1 फिनिश हो गया। सर ये नोट्स जितने भी हो सके, अगर रियल में पास होना है तो नोट्स अपने हाथ से लिख के बनाना, वीडियो में जो समझ में आया वो बनाना, प्लस अपना आपको प्रैक्टिस मैनुअल एक बार गो थ्रू कर लेना है। 100% मैंने कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं, एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो एग्ज़ाम से बाहर आए, और ये चैप्टर आपको SM के अंदर 7 to 12 marks इफेक्ट करता है, एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, 7 to 12 आराम से कर लेगा। तो प्लीज़ 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 100% डेडिकेशन के साथ कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि मैं SM की सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज़ एक लाइक एंड एक कमेंट और अपना व्यू बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।